माननीय सुधांशु जी प्लीज कंटिन्यू योर स्पीच। सभापति महोदय, अभी इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य, वयोवृद्ध नेता, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय एचडी देवगौड़ा जी ने जो विचार कहे, बड़े दुख का विषय है कि 21 घंटे का समय आवंटित होने के बावजूद, सबसे वरिष्ठ सदस्य के द्वारा यह अनुरोध करने के बावजूद जिस प्रकार का आचरण दिखाया जा रहा है, इससे साफ समझ में आता है सभापति महोदय कि इनका उद्देश्य सवाल, सवाल का जवाब और जवाब के सवाल में नहीं है, इनका उद्देश्य बवाल में अधिक दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये अपोजिशन की इस नियत को भी स्पष्ट करता है। अब मैं विषय पे आता हूं, जो मैं बता रहा था कि बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि ये देश के इतिहास में 60 साल के बाद ये पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार 3 बार किसी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने यह शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है, सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि यह कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे उसकी बराबरी हो गई। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। यह होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। और उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे तो मुझे यह दायित्व दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूं और जब बैठक समाप्त हो जाए तो हम एक साथ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करने के लिए। और महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एकमत था, सारे कार्यकर्ता एकमत थे और पूरा देश एकमत था और तब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोषित हुए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि एक वोट मिला पट्टाभिरमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है, सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी, एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना, इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। अब मैं दूसरा बिंदु कहना चाहता हूं कि इसमें वाकई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खड़गे जी में तुलना नहीं हो सकती। देखिए, नेहरू जी ने के विषय में प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है और उसके बाद सभापति महोदय 2 साल जेल में रहे और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और
कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िए, जिन्होंने बोटी बोटी की बात कही थी वो सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए और इसके बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नेहरू जी की, दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं, हमारे तीसरा बिंदु, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, इसमें भूटान, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, रूस और मालदीव। और मेरे विरोधी विशेष रूप से सुने, इसके अतिरिक्त तमाम मुस्लिम देश, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान और विशेषकर ध्यान दें फिलिस्तीन, इतने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जो भारत के इतिहास में मंत्री को नहीं मिला। और प्रधानमंत्री जी ने किसको सर्वोच्च सम्मान दिया, हमने भारत के, हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समिति ने सिर्फ हमारे नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, हमने कांग्रेस के भी नेताओं को सम्मान दिया। कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं को भारत रत्न मिला, मदन मोहन मालवीय जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, प्रणब मुखर्जी जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, पीवी नरसिम्हा राव जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, हमारी पार्टी के नहीं थे परंतु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, और कांग्रेस के नेता एससी जमीर और तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला। दूसरी तरफ नेहरू जी ने क्या किया, न किसी से अवार्ड मिला। अरे भाई, दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया। यानी एक मोदी जी जिन्होंने सबको भारत रत्न दिया और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत रत्न मिल गया। तो मैं मानता हूं कि इन तीनों बिंदुओं पर नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी नेहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की। और एक बात और कहूंगा अंत में, वाकई दोनों में बराबरी नहीं है। हम लोग बचपन में, एक बड़ा गीत था जो हमारी पीढ़ी और हमसे पहले वाली पीढ़ी ने जरूर अवश्य सुना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, उसमें एक लाइन थी कि फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, वो तो फूलों की सेज पे थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी चाय की केतली लेके प्लेटफॉर्म पे दौड़े नरेंद्र लाल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, वो जवाहरात के लाल थे और नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल थे, वो हीरे जवाहरात के बीच में उनका बचपन गुजरा और इन्होंने गुदड़ी के लाल ने निकलकर आज भारत माता का भाल जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है उसके लिए सारा देश उन पर गर्व करता है। अब मैं पिछली बात को छोड़कर इस पे आता हूं कि इस तीसरे टर्म में हमारी सरकार किस प्रकार की बातों पर विचार करने की तरफ ध्यान दे रही है। राष्ट्रपति महोदया ने अपने बिंदु क्रमांक 5 में इस विषय का उल्लेख किया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है वो है एनर्जी, और एनर्जी में ग्रीन एनर्जी। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बहुत पहले से ध्यान कर इस बात को समझ लिया कि आने वाला एरा ग्रीन एरा है। और याद करिए कि हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया था, एलईडी बल्ब देने शुरू किए थे। अब तक 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी से अधिक। उस समय हमारा अधिकतम पावर कंजम्पशन 50% से अधिक कोयले से होता था। अगर हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते थे और केवल कोयले से कंजम्पशन करते तो भारी मात्रा में कार्बन डिपोजिशन होता। ग्रीन एनर्जी का टारगेट जो हमारी सरकार ने रखा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह टारगेट रखा गया कि 2030 तक भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर जनरेशन का 40% क्लीन एनर्जी से होगा। और हमेशा सरकारों में देर में होता है कार्य, मगर महोदय मैं बताना चाहता हूं पहली बार भारत के इतिहास में वो 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय क्लीन एनर्जी का टारगेट 8 साल पहले 2022 में अचीव कर लिया गया। और अब 2030 के लिए रिवाइज टारगेट 50% क्लीन एनर्जी का हो गया है। यह दर्शाता है कि हमने कितना महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, इसीलिए हम तीसरे नंबर की देश बन गए हैं सोलर एनर्जी के संदर्भ में। 2014 में जहां सोलर एनर्जी 2.6 गीगावाट थी, वहीं 2023 में 66.7 गीगावाट हो गई है। और इतना ही नहीं, अब प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में है,
मैं बताना चाहता हूं लोगों के घर पे सोलर रूफटॉप्स लगेंगे और मुफ्त की बिजली प्राप्त हो रही है, और मुफ्त की बिजली के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे उनका चार्जिंग भी मुफ्त की हो जाएगी। सोचिए कि एक ऐसी योजना जिसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण पर आक्षेप नहीं आ रहा है, पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मुफ्त की ऊर्जा मिल रही है और वो भी सरकारी खजाने पर बगैर कोई बोझ डाले। जो लोग मुफ्त मुफ्त की बात करते थे, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से एक ऐसी योजना के माध्यम से देश के करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली देने का प्रयास किया है जो अपने आप में अद्भुत और अलग है, और आगे भी हम भविष्य में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया कि स्टार्टअप के मामले में हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोसिस्टम बन गए, मगर हम तीसरे बड़े इकोसिस्टम से संख्या के आधार पर नहीं बने। जब हमारी सरकार नहीं थी कुछ 100 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप है। सभापति महोदय, 1 लाख की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, 675 जिलों में से 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केवल स्टार्टअप का मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये नहीं है। 675 में 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं, और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में हम तीसरे बड़े सिविल एविएशन सेक्टर हो गए हैं। राष्ट्रपति महोदया ने इस बात का उल्लेख किया कि 2014 में 209 हवाई मार्ग थे और अब 905 हवाई मार्ग हो गए हैं। अब लगभग हर राज्य में एक एयरपोर्ट जरूर है, और किस प्रकार का बदलाव आया है इसका उल्लेख दीजिए कि आज दुनिया में सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर हमारी सरकार के समय में बन के तैयार है। सबसे लंबा पुल समुद्र के ऊपर एशिया का मुंबई में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है। सबसे बड़ा केबल पुल गुजरात में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है, और नदी के नीचे से चलने वाली मेट्रो कोलकाता में हमारी सरकार के समय में तैयार हुई है। ये दर्शाता है कि विकास के नए प्रतिमानों पर किस प्रकार से इस सरकार के दौरान हम आगे बढ़े। देखिए, बड़े विषयों की तरफ तो अक्सर लोगों का ध्यान काफी जाता है, परंतु मैं एक चीज पर और ध्यान देना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार के समय में बहुत छोटी छोटी चीजें, उनसे देश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, उस तरफ ध्यान दिया गया। मैं 3 छोटी चीजों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहद हम सब बहुत सामान्य रूप से यूज करते हैं, हनी। शहद का निर्यात 2014 में 445 करोड़ था और 9 सालों में बढ़कर 1623 करोड़ रुपए हो गया। किसानों, खिलौना, देखिए जब हम चाइना की बात करते तो बहुत सी बात होती थी, खिलौने हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकते। इन 9 सालों में हमने 1844 करोड़ रुपए के खिलौने जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। ये हमने इस छोटी सी चीज में आगे बढ़ने का प्रयास किया। और दूसरी चीज जो हमारे विरोधियों को शायद याद हो, खादी, जिसका महात्मा गांधी जी के साथ बड़ा संबंध माना जाता था, हमारी मोदी जी के प्रयासों से 2014 में जो खादी का मार्केट 31,000 करोड़ रुपए का था वो अब बढ़कर 1,35,000 करोड़ रुपए का हुआ, यानी 4 गुना अधिक खादी में हमने वृद्धि प्राप्त की है। और बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हमारी सरकार आने से पहले होती नहीं थी, जिसकी वजह से हम सिर्फ हथियार खरीदते थे और अपने आप बनाने की हमारे अंदर सामर्थ्य तो थी पर सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी, और अब स्थिति यह आई है कि अब 1 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इस सरकार के कार्यकाल में हो रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा 18 गुना बढ़ा है, और सभापति महोदय, 500 हमारे डिफेंस के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे सरकार ने निर्णय लिया है कि इनका इंपोर्ट बैन, यानी जो पहले विदेश से आते थे वो 500 प्रोडक्ट भारत में ही बनेंगे इक्विपमेंट, और वो विदेश से नहीं लिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने किया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल बनने का उल्लेख भी उन्होंने किया है, जो भारत की पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसे हमने एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की, और फिलीपींस पहला देश बना जिसने एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया है। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का कोई पार्ट बने, कोई कंपोनेंट बने, ये अपने आप में कितने बड़े गर्व का विषय है। मुझे याद है कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश की छवि क्या बना के रखी गई थी, सिनेमा क्या बनता था उत्तर प्रदेश पे, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, तो सीरीज बनती थी मिर्जापुर, तो ओंकारा में मेरठ की गैंगवार, तो बाबर फिल्म में कानपुर की गैंगवार,
तो कंपनी फिल्म में दिखाया जाता था कि जैसे कि मुंबई का सारा जो माफिया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रहा है। आप सोचिए उस समय अवैध हथियारों के बनने के समाचार आते थे और अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रही है। इतना बड़ा नजारा बदलने के बाद भी जिनकी नजरें ही ना हो उनको नजारा कैसे नजर आ सकता है ये समझा जा सकता है। अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 17 में राष्ट्रपति महोदया ने भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है, जिसमें विशेषकर मैं सिर्फ तीन का उल्लेख करना चाहूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये तीनों इसलिए कि इनके बारे में केवल एक डेढ़ साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया। अपनी सीट पर जाएं प्लीज, अपनी अपनी सीट पर जाएं प्लीज। मात्र एक डेढ़ साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया कि SBI डूब रहा है, LIC डूब रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स नीचे जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने बताया कि इस साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1,40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पिछले क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा केवल एक तिमाही का 21,000 करोड़ रुपए है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सारी कंपनियों में मिला के सबसे ज्यादा है। पहली बार SBI ने रिलायंस से भी ज्यादा मुनाफा कमा के दिखाया है। LIC का पिछले क्वार्टर का मुनाफा 19,000 करोड़ रुपए है, जो LIC का ऑल टाइम हाई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैंने LOP कुछ बोलना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने के लिए भी हम सरकार से इतना पूछना पड़ता है तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है। मैं आपसे विनंती करता हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज की, अब आपने आदेश दिया कि सब लोग बैठे, हम बैठ गए, फिर इंस्पाइट ऑफ दैट इफ दे आर नॉट ऑनरिंग, सब बैठे भी नहीं तो सिर्फ अपना भाषण चलाते ही रहे, कौन सुनने वाला है आपका भाषण, हम तो नहीं सुन रहे। माने प्लीज 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 आप प्लीज प्लीज माने मान प्लीज सर, देखिए सर आप मैंने आग्रह किया सभी लोग अपनी सीट पर जाएं, जब तक नहीं गए थे आपने कहा मैं मौका दूं, प्लीज प्लीज माननीय लोगों को बोल देते पॉइंट ऑफ रेजर करे किए हैं आप बैठे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो भी है, जब बाहर लोग थे यू अलाउ देम, मैंने कहा अलाउ, ही हैज टू विल, ही हैज टू विल, नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है प्रियंका जी, आप सहमत हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रियंका जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप तय करिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हाँ प्रियंका जी, चेयरमैन सर राइट नाउ प्लीज सर, व्हाई शुड ही, किस नियम के तहत, कौन सा सर, मैं बिल्कुल आपको नियम भी बताऊंगी सर, एंड आई एम आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई हैव बीन गिवन दिस राइट सर टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इट इज अनफेयर दैट आई हैव बीन स्क्रीमिंग नॉनस्टॉप एंड द मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन हैव बीन आस्किंग यू टू प्लीज सर, पॉइंट नंबर 259 चेयरमैन टू प्रिजर्व ऑर्डर एंड एनफोर्स डिसीजंस, द चेयरमैन शैल प्रिजर्व ऑर्डर एंड शैल हैव ऑल पावर्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग हिज डिसीजंस। Sir, we have been protesting non-stop. We cannot hear what he is speaking. He is being allowed to speak while we are not being allowed to even raise a point of order. Isn't it your responsibility, please, sir, with all due respect, to ensure that even the opposition voices can be heard? Yes, I will sit down, please, sir. Allow. This is not point of order. This is not point of order. Please. सभापति महोदय, मेरा विचार ये था हमारे विपक्षी दल यदि हाउस ऑर्डर में होता तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ज्यादा उपयुक्त नजर आता, परंतु मैं अब अपना विषय आगे रखने का प्रयास करता हूं कि स्टेट बैंक LIC ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में दर्ज किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 29,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है और 80,000 करोड़ रुपए का उनका ऑर्डर पाइपलाइन में है, जो HAL को आज तक नहीं मिला था। यह दर्शाता है कि SBI, LIC और HAL ने इस सरकार के कालखंड में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार का दुष्प्रचार था और किस प्रकार का यथार्थ आज आंकड़ों के आधार पर देखने को मिलता है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत का विश्व की विकास दर में योगदान 15% होने जा रहा है।
यानी इस प्रकार से भारत अब दुनिया के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं उन्हीं की बात को पुष्ट करते हुए ये बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फ्रंट IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भारत 15% ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करके दुनिया में ग्रोथ का इंजन बनने की भूमिका निभाने जा रहा है। एक दौर था, जब हम IMF जैसे संगठनों से चैरिटी एक्सपेक्ट करते थे, हम उनके सामने याचक बन के खड़े होते थे, और आज IMF की चीफ ये कह रही है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में याचक नहीं, उसका संचालक बन के खड़ा हुआ है। यह बात राष्ट्रपति महोदय के उस बात से बहुत स्पष्ट होती है। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने अपने समय में जिस प्रकार की सूचना क्रांति और डिजिटल रिवोल्यूशन लाया है, जिसने कि देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी और त्वरित एंड माइल डिलीवरी को इंश्योर किया है। आगे मैं आपका ध्यान सभापति महोदय आकर्षित करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 28 पर नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के संदर्भ में ये कहा कि ये भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। नालंदा सिर्फ भारत में ज्ञान का प्रतीक नहीं था, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से ध्वस्त किया गया, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से नष्ट किया गया, ये भारत की सांस्कृतिक चेतना की वो जीवनी शक्ति का प्रतीक था कि हमारी सरकार ने उसको जिस ढंग से स्थापित किया है, वो कितना गहरा घाव था भारत के ऊपर। इसको मैं कोट करना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब, जो उनकी राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर, पब्लिश बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, इन्हीं की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, उनमें डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में उन्होंने लिखा है, मैं कोट कर रहा हूँ उनके उस आर्टिकल से, हाउ द बुद्धिस्ट पेरिश्ड बाय द सोर्ड ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द मुस्लिम हिस्टोरियंस देमसेल्फ। Summarizing the evidence relating to the slaughter of Buddhist monks by the Muslim generals in the course of their invasion in Bihar in 1197 AD. और आगे उन्होंने विंसेंट स्मिथ को कोट किया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक एक भिक्षु को पकड़कर किस प्रकार से मार दिया गया, कुछ लोग अपनी जान बचाकर नेपाल और तिब्बत चले गए। मगर महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप पुस्तकों को जला सकते हो, आप इमारतों को जला सकते हो, पर भारत की ज्ञान और संस्कृति की परंपरा को नहीं जला सकते हो। और इसलिए हमारी सरकार ने जो नालंदा का पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया है, वो भारत की ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने का। मगर सभापति महोदय, जब भारत की सांस्कृतिक चेतना की बात आती है, तो निश्चित रूप से हमारे मन में नालंदा, बोधगया और उसी के साथ साथ भव्य श्री राम मंदिर का विषय भी आता है। परंतु इस बार बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली, और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए ऑल आईज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आईज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं यह भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए, अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे, देखिए साहब आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय मैं कह रहा हूं, ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है
कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी, मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, आज से 30 साल पहले मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अरे अब तो इतना अंतर आया है, तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब आप एक एक स्थान को बता रहे हैं। आप निश्चित रहिए, जिसे एक हम लोग जो प्रसिद्ध भजन सुनते थे उसमें ये कहा गया है, जो हनुमान जी का प्रसिद्ध भजन है कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस समय से डारो, परंतु चिंता मत करिए, वो शक्ति पुनः जागृत हो रही है और वो जागृत होकर हमें पुनः वहां तक पहुंचाने का प्रयास रखेगी। और एक मैं गंभीर बात कर रहा हूं, श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। हम 86 सीट पे भी वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं। आपके लिए चुनावी हार जीत का विषय होगा, हमारे लिए चुनावी हार जीत का विषय नहीं है, परंतु हमारे ही हमें लगता है कि भारतीय समाज में भी कुछ लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर हो सकता हमारी तपस्या में कोई कमी रही हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत के सभी लोगों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो प्रसिद्ध पंक्ति जो उनकी कविता थी, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि अभी हमारा यह प्रयास बाकी है। तो एक पंक्ति उनकी मैं कोट करना चाहता हूं जो आज की परिस्थितियों में बहुत समीचीन लगती है, कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। अब सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण और शपथ में हमारे विरोधियों ने बहुत बार संविधान का विषय बहुत उठाया और राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 28 पर संविधान और संविधान से जुड़े विषयों के बारे में बात कही, मगर महत्वपूर्ण बात यह है सभापति महोदय कि संविधान इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इन लोगों ने अपने समय में संविधान में क्या किया और किस भावना से प्रेरित किया, मैं 3 उदाहरणों के कंपैरिजन से बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, सितंबर 1934 में नाजी पार्टी का न्यूरनबर्ग में कन्वेंशन हुआ जिसमें नाजियों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म ट्रायंफ ऑफ द विल का मंचन हुआ और उस मंचन के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और ठीक वही नारा 1976 में कांग्रेस के देवकांत बरुआ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यानी सोचिए कि ये किन विचारों से प्रेरित थे और संविधान कितने बड़े खतरे में था। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, 26 अप्रैल 1942 को जर्मनी की संसद रीस्टैग को संबोधित करते हुए हिटलर ने कहा जजों को कि जो जज आज के युग की आवश्यकता नहीं समझते, मैं इंटरवीन भी करूंगा, उनको सुपरसीड भी करूंगा और उन्हें पद से भी हटाऊंगा। और ठीक यही काम 24 अप्रैल 1973 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया जब उन्होंने जजेस को सुपरसीड किया और कमिटेड जुडिशरी की बात कही। अर्थात संविधान के ऊपर खतरा और संविधान से किस प्रकार की परिस्थितियां थी आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा। 38वां और 39वां संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कोई जुडिशरी इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है। वो लोग आकर आज कहते हैं कि वो संविधान की रक्षा करने वाले। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी जैसे नेता को हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क के ऊपर चलाया गया, वो लोग आज कहते हैं कि इनको संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है। और 42वां संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन था महोदय जिसमें 40 आर्टिकल बदले गए, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए चैप्टर जोड़ दिए गए और बाबा साहब अंबेडकर ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान की आत्मा कहा था उस आत्मा को भी बदल दिया गया।
वो लोग आज कहते हैं। और आज प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहते हैं, उस समय जो अखबार छपते थे तो पीआईबी को एक एक लाइन वेट करानी पड़ती थी पीआईबी से, तब जाके समाचार पत्र में कुछ छपता था। और जिसके लिए उस जमाने में एक मशहूर शेर बोला गया था, आप सबको पता होगा कि उर्दू के बड़े प्रसिद्ध शायर गालिब हुए हैं, मीर तकी मीर हुए हैं, शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक हुए हैं। तो लोगों ने दिल से दुखी होकर कहा था कि अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। महोदय, मगर इतना ही नहीं था, ये सिर्फ इमरजेंसी का विषय नहीं था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब जब ये सत्ता में आए संविधान खतरे में आया। श्री राजीव गांधी जी जब सत्ता में आए और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और वो निर्णय शरिया के विरुद्ध नजर आया, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रोंद कर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया, संविधान खतरे में था। और तब हमने उसका विरोध किया। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, दुनिया में कोई एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया संविधान से ऊपर होता हो। यह सिर्फ हमारे देश में था और संविधान सबसे बड़े खतरे में था। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में ढांचा गिरने पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। समझ में आता है, भाजपा की सारी सरकारें बर्खास्त कर दी गई, किस आधार पे? संविधान खतरे में था। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया है। उस समय जुडिशियल इम्यूनिटी थी, अब कोर्ट ने उसको हटाया है। संविधान खतरे में था। जब जब ये सत्ता में आते हैं संविधान खतरे में आता है। और सभापति महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, मैं देश की प्रबुद्ध जनता से पूछना चाहता हूं, ये बताइए देश की सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है संविधान के हिसाब से? यूनियन कैबिनेट। ये यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? ये संविधान को खतरे में डालना नहीं था क्या? संविधान खतरे में था। और ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन को कैबिनेट का रैंक था और वो रैंक असंवैधानिक था। लोगों को याद नहीं होगा, मार्च 2006 में श्रीमती सोनिया गांधी जी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे के ऊपर इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वह पद असंवैधानिक था। और यह भी याद होना चाहिए, इसी सदन के सदस्य हैं, जया बच्चन जी को पहले इस्तीफा दिलवाया गया, उस चक्कर में खुद भी इस्तीफा देना पड़ गया था। बाद में जब वो रीएलेक्ट होकर आई, उस बीच में संविधान संशोधन करके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया गया। संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोग आज हमें ये बताते हैं, 10 साल तक इस देश ने सुपर पीएम सुना, संविधान खतरे में नहीं था, संविधान खतरे में था। और जिस समय देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसके प्रस्ताव को कोई कहे कि मैं पब्लिकली चीर के फेंक दूंगा, यह संविधान के चिन्ह उड़ाना है, यह संविधान खतरे में था। संविधान उनके जमाने में हमेशा खतरे में रहा है और हमने हमेशा संविधान का बचाव किया है। और मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, संविधान को इतना ही खतरे में नहीं डाला है। मार्च 2006 में केरल की विधानसभा में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होता है कि कोयंबटूर हमले के ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु के जेल में बंद है, उसे रिहा कर दिया जाए। और 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी सारे कम्युनिस्ट उसके पक्ष में वोट करते हैं। यानी एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में विधानसभा का प्रयोग करना, यह संविधान खतरे में था। जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है संविधान खतरे में रहा है। और सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये कहानी यहीं पे नहीं रुकी। अब जब हम सत्ता में और विपक्ष में, याद करिए, इन्होंने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। सीए केंद्र के द्वारा पारित कानून है, क्या संसद के द्वारा पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य विधानसभा चुनाव कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है? नहीं। ऐसा करना संविधान को खतरे में डालना, और इनके समय में संविधान को इन्होंने फिर खतरे में डाला। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सीए नागरिकता से जुड़ा विषय था, नागरिकता केंद्र का विषय, उसका प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। इसके बावजूद नागरिकता से जुड़े केंद्र के कानून पर प्रदेश की सरकारें इनकी प्रस्ताव पारित करें, ये संविधान खतरे में डालें। फिर भी मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, दो नेता जेल में चले गए तो इनको लगता है कि संविधान खतरे में आ गया और इनको लगता है कि वो न्यायिक कार्रवाई के तहत नहीं गए। तो मैं अपने विरोधियों के
सुलभ संज्ञान के लिए याद दिला देना चाहता हूं कि ये क्या 2014 के बाद ही हुआ है। सोनिया जी और राहुल जी को जिस नेशनल हेराल्ड केस में बॉन्ड लेना पड़ा वो 2013 अक्टूबर में दर्ज हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोजी जी और ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कलमाडी जी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जी सीएम झारखंड जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह जी मायावती पे 2006-07 में डिस्प्रोपोर्शनेट नजर का केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगे, FIR 1990 में हुई। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ 30 साल से देख रहे हैं सभापति महोदय, हम लोग छात्र जीवन से प्रौढ़ावस्था में आ गए, जेल में अंदर बाहर आने जाने का खेल देखते हुए, और अब हमसे कहते हैं कि 2014 के बाद ये है। वास्तविकता ये है कि संविधान के साथ खिलवाड़ सदैव इन्होंने किया है, इसलिए मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा। उसके बावजूद ये किस ढंग की भाषा और आचरण प्रयोग करते हैं, तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि लहजे में बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। और राष्ट्रपति महोदया ने अपने अंतिम बिंदु में ये कहा कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र के लिए उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था भारत, जिसके बारे में कहा जाता था यहां साक्षरता और समझ का दर कम है तो ये देश कैसे अडॉप्ट होगा। मोदी जी ने आने के बाद जो डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है, आज दुनिया में होने वाले डिजिटल ट्रांजेक्शन का 46% भारत में होता है, 46% जो हमारे बाद आने वाले 4 देशों में मिलाकर भी कम है। और यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अंतिम समय में, अंतिम बात करते हुए एक चीज कोट की थी कि पूरी दुनिया में, उन्होंने वेदों के एक वाक्य को कोट किया राष्ट्रपति महोदया ने, जिसका जो उन्होंने बोला था समानो मंत्र समिति समानी, अर्थात सभी लोग समान रूप से आए और एक समान रूप से आगे बढ़े और एक साथ आगे आए। मगर सभापति महोदय, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, आज से कुछ साल पहले डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम आता था माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया, जिसमें उसने कहा कि इंडिया में वो पोटेंशियल है कि अगर इंडिया अपने पोटेंशियल को सही ढंग से प्रयोग करेगा तो बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी इंडिया विल बी द बिगेस्ट नेशन एंड रिचेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सभापति महोदय, उसने कहा इंडिया विल बी द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ द प्लेस एट विच इट रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री, अर्थात वो जो हमारा अतीत था वो हम प्राप्त करके रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे विरोधी लोग किस विचार की बात करते हैं, इनके मन में सुनिए, इनके एक बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल थिंकर थे जो चुनाव के दौरान क्या बोले कि उत्तर भारतीय यूरोपियों से हैं तो पश्चिम वाले अरब वालों से जुड़े हैं, तो पूरब वाले चीन वाले से हैं, दक्षिण वाले अफ्रीका वालों से, वजह सुनिए, वो इस्तीफा दिए थे फिर रीइंस्टेट हो गए, यानी केवल चुनाव के लिए था, वो चेहरे का नकाब उतर गया है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महोदय आपको पता नहीं है भारतीयों के, भारत की वास्तविकता क्या थी और आपके मन में गुलामी की मानसिकता क्या भरी हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अरब के लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे, या अरब के कई हिस्टोरियंस जिसमें इब्न असीर, इब्न कतीर, इब्न खल्दूम ने ये वर्ड यूज किया है अजीजुल ली इल्मीन इन बिलादुल इन हिंद, अर्थात द कूल ब्रीज ऑफ विजडम कम्स फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया, और ये हमको समझाते हैं हम उधर से आए। और मैं प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए, टेक योर सीट, टेक योर, वुड यू लाइक टू मेक एन अपील टू देम, सभापति जी।